बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार, बहुत आसान और बहुत हेल्दी वे में बनने वाली सामन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम लोग ओवन में बेक करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना है। सामन को बेक करने के लिए यहाँ पर मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च का पाउडर, ये जाएगा इसमें। और उसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया है मिक्स्ड हर्ब्स हैं ड्राई, और 1 टीस्पून ड्राई पार्सली है मेरे पास, ये जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर एंड 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा अनियन पाउडर। और यहाँ पर हस्बे जायका नमक है, तो नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये हो गए हैं तमाम स्पाइसेस। उसके अलावा इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर है मेरे पास, ये जाएगा इसमें। और यहाँ पर मेरे पास सामन के 4 स्लाइसेस हैं, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके बेकिंग ट्रे में ऑलरेडी रख लिया हुआ है। और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून टमाटो की प्यूरी है एंड 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस है। तो ये हो गए हैं हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट मज़ेदार सी ओवन बेक सामन के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने मेल्टेड बटर लेना है। बटर को आप लोगों ने लाजमी मेल्ट करना है, क्योंकि इससे आपके जितने भी स्पाइसेस जो इस्तेमाल करने हैं हमने, वो अच्छे से मिक्स होंगे मेल्टेड बटर में। आप लोगों ने उस तरीके से बटर नहीं ऐड करना। और यहाँ पर मैंने अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास सॉल्टेड बटर है तो आप लोग नमक अपने जायके के हिसाब से देख कर डालिएगा, क्योंकि बटर में भी सॉल्ट होगा। तो उसके अलावा यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने तमाम स्पाइसेस जो कि मैंने पहले से मेंशन किए हैं। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने टमाटो की प्यूरी डाली है एंड 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने लेमन जूस डाला है। तमाम स्पाइसेस डालकर बटर में आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है और इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने जो मसाले डालकर बटर में पेस्ट बनाया था इसका, तो ये रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने इसको सामन पर लगाना है और हाथ की मदद के साथ अच्छे तरीके से इसकी दोनों साइड्स पर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने सामन में मसाला लगा के इसको फ़ौरन से मैंने ओवन में बेक कर लिया था। अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए मसाला लगा कर इसके अच्छे से मैरिनेशन करिएगा, उससे हमारी सामन और ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से हेल्दी डिनर रेडी करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से मसाला लगा के ओवन में बेक कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, सामन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से सारी साइड्स पर हाथ की मदद से मसाला लगा दिया है। अब इसको ओवन में बेक करेंगे। और ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, और यहाँ पर हम इसको रखेंगे ओवन में, और साथ ही इसका जो गैस मार्क है वो 7 होगा और 25 मिनट तक इसको ओवन में बेक करेंगे।
तो ये देखें फ्रेंड्स, आफ्टर 25 मिनट्स ओवन में बेक करने के बाद सामन हो चुकी है हमारी रेडी। बहुत नाइस लुक है इसकी। ये देखें, ऊपर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी ही सॉफ्ट और जायकेदार, बहुत टेस्टी बनी थी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको आप सर्व करेंगे वेजिटेबल के साथ। वेजिटेबल मैंने ऑलरेडी ओवन में बेक कर ली थी थोड़ा सा ऑयल और ब्लैक पेपर के साथ, और साथ में मैंने स्वीट कॉर्न सर्व किए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की मज़ेदार सी ओवन बेक सामन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।